वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज मैं आपके साथ इस वीडियो में अपनी बेटी को देने वाले ड्राई फ्रूट पाउडर का वीडियो शेयर करने वाली हूँ, रेसिपी शेयर करने वाली हूँ कि मैं अपनी बेटी को ये ड्राई फ्रूट पाउडर किस तरीके से देती हूँ। और मैं ये मेरी बेटी आपको पीछे दिख भी रही होगी, इसको कितना भी मना करो बस इससे कैमरा देख के वीडियो में आना ही आना है। सो इसको भी देखते रहो पीछे। तो मैं अपनी बच्ची को जो है 6 मंथ से, जब इसने सॉलिड लेना स्टार्ट किया था ना, उसी टाइम से मैं इसको ये ड्राई फ्रूट पाउडर जो है इसकी डाइट में इंक्लूड किया हुआ है। मैंने जो भी मैं इसको रेसिपी देती हूँ खाने के लिए, जैसे कि दलिया दिया मैंने, ओट्स दी या फिर दूध रोटी दी है, जो भी बनाना है कुछ भी इसको जो भी खाने के लिए देती हूँ, मैं दिन में 2 बार वो ड्राई फ्रूट पाउडर जो है इसके खाने में डालती हूँ और मिक्स करके इसको खिलाती हूँ। एंड ट्रस्ट मी गाइस, ये बहुत हेल्दी होता है बच्चों के लिए। तो जब भी आपका बच्चा वो 6 मंथ का सॉलिड लेने के लिए तैयार हो जाए, तो आप ड्राई फ्रूट पाउडर जो है थोड़ा थोड़ा स्टार्ट करके उनकी डाइट में इंक्लूड कर सकते हो, क्योंकि इसमें जो है कि ये यू नो हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है, ब्रेन डेवलपमेंट के लिए बहुत अच्छा होता है, इससे इम्यूनिटी पावर बहुत अच्छी होती है। और थर्ड कि इसमें जो है वेट गेन बहुत अच्छा होता है, वेट गेन असर बच्चा मोटा नहीं हो जाएगा, हेल्दी वेट गेन बहुत अच्छा होता है। और ड्राई फ्रूट्स तो हम सबके लिए अच्छे होते हैं, उनकी अपनी अपनी हेल्दी प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो मैं आपके साथ इस वीडियो में आगे शेयर करूँगी। जैसे जैसे मैं ये पाउडर बनाऊँगी वैसे वैसे आपके साथ हर एक नट्स की यू नो क्वालिटी, जो भी उसकी खूबी है वो आपके साथ शेयर करूँगी। सो डेफिनेटली आप इस वीडियो को देखना लास्ट तक, आपको बहुत हेल्प मिलेगी। जो भी बहुत सारे लोगों ने ये वीडियो बनाई होगी, मैं जिस तरीके से अपनी बेटी के लिए जो जो चीज़ें यूज़ करती हूँ वो आपके साथ शेयर कर रही हूँ। सो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगेगी। अगर अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, कॉमेंट करना एंड बस और नोटिफिकेशन बेल हिट कर देना, ताकि आपको आने वाली सारी वीडियोज़ का पता चलता रहे। सो चलो स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो। सो यहाँ मैंने जो भी ड्राई फ्रूट्स लिए हैं वो एक एक कप मेज़र करके लिया है, और यहाँ पे मैं आलमंड ले रही हूँ, वॉलनट ले रही हूँ, और फिर मैंने पिस्ताशियो लिया है, और एक जायफल का पूरा एक जायफल लिया है। आप जिस हिसाब से अपना ड्राई फ्रूट्स ले रहे हैं उस हिसाब से आप मेज़र कर लीजिए, और अगर आप इससे कम ले रहे हैं तो आप आधा जायफल भी यूज़ कर सकते हैं। सो मैं अब इन सारी चीज़ों को हल्का सा कढ़ाई में रोस्ट करूँगी, बिना ऑयल के एक सूखी कढ़ाई में मैं रोस्ट कर रही हूँ। नट्स आर एक्सीलेंट सोर्स ऑफ फाइबर एंड सब प्लांट बेस्ड प्रोटीन एंड हार्ट हेल्दी फैट्स। दे ऑल्सो ऑफर लॉट्स ऑफ विटामिन एंड मिनरल्स टू हेल्प योर बेबी थ्राइव, इंक्लूडिंग कैल्शियम फॉर स्ट्रॉन्ग बोन्स, जिंक फॉर हेल्दी ग्रोथ, विटामिन ई एंड इट्स एंटी ऑक्सीडेंट सपोर्ट एंड आयरन हेल्प्स टू योर बेबी। सो यू हैव टू जस्ट रोस्ट द एलमंड विदाउट ऑयल। आपको बस इसको हल्का सा रोस्ट करना है। इसमें जितने भी ड्राई फ्रूट्स हैं उसको मैंने बस हल्का का रोस्ट किया है। सो वॉलनट कंटेन्स फ्लोट एज वेल एज ओमेगा 3। बोथ दिस न्यूट्रिशन प्राइमरी हेल्प्स इन द डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड ब्रेन। दीज इम्प्रूव द ब्रेन पावर ऑफ इंक्रीजिंग मेमोरीज एंड बूस्टिंग ब्रेन सेल्स एंड इट कंटेन्स विटामिन B1, 2। सो डेफिनेटली इंक्लूड वॉलनट्स इन द डाइट ऑफ योर बेबी एज वेल एज इन योर डाइट ऑल्सो, बिकॉज इट इज़ वेरी हेल्दी फॉर आर बॉडी। सो पिस्ता इज़ एन एक्सलेंट सोर्स ऑफ हेल्दी फैट, फाइबर एंड जिंक। ऑल इम्पॉर्टेंट न्यूट्रिशन इज सपोर्टिंग बेबी ब्रेन डेवलपमेंट, डाइजेशन एंड इम्यूनिटी। लाइक ऑल नट्स, पिस्ताचियो आर ऑल्सो अ ग्रेट सोर्स ऑफ आयरन, मेकिंग देम अ पर्टिकुलरली हेल्दी फूड फॉर। So nutmeg relax the mind of small babies and make them calm. This soothes the irritability of babies, which help a baby in sleeping peacefully. Elder even suggests new mothers to mix a little amount of this spice into their breast milk to increase the benefits of this spice. It's a high fiber content in makhana, helps to prevent constipation in babies and toddlers. Makhana has a right amount of calcium. It strengthens the bone teeth for growing babies and kids, rich in dietary fiber, which help in preventing constipation in the children, and it's very helpful for your baby's growth. इन सारी चीज़ों को मैंने एकदम जार में, मिक्सी के जार में डाला है, और बस हल्के
एक एक हल्का हल्का एक एक सेकंड का राउंड दे रही हूँ, क्योंकि अगर आप एक साथ इन सबको जला दोगे ना तो ये एकदम जम के इकट्ठा हो जाएंगे। तो आपको बहुत धीरे 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 एक एक हल्का एक एक सेकंड के लिए मशीन चलानी है और धीरे धीरे करके पीसना है। सो मैंने इनको बहुत थोड़ा थोड़ा करके दो हिस्सों में पीसा है और एक एक आप देख सकते हो, बस मैं तुरंत चला रही हूँ बंद कर रही हूँ, तुरंत चला रही हूँ बंद कर रही हूँ, ऐसे करके ये पीसना है क्योंकि वो फिर इकट्ठा हो जाएंगे, तो ऐसे एक साथ मत पीसे। सो यहाँ पे ड्राई फ्रूट पाउडर बिल्कुल रेडी हो गया है। सो आप इसको स्टोर करके रख सकते हो, एक ग्लास बॉटल में या किसी भी बॉक्स में आप स्टोर करके रख सकते हो, ये ख़राब नहीं होगा एंड इट्स वेरी गुड, वेरी हेल्दी फॉर योर बेबी। सारे ही ड्राई फ्रूट्स मैंने अमेजोन से परचेज़ किए थे। सो आप जब भी ड्राई फ्रूट्स खरीदें तो पैकिंग वाला खरीदें ताकि आप उसकी डेट देख सकें, जितनी डेट लंबी होगी उतना आपका ड्राई फ्रूट पाउडर चलेगा। सो आई होप यू लाइक द वीडियो, प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एंड कॉमेंट टू माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़, बाय बाय।